इतने दिनों से खोज रहे गुरु माँ को रूही ने आज पकड़ लिया। नाहर गुरु माँ को देख रूही की मदद करने पहुंचा उसके पास। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मन सुंदर में हम लोग देखेंगे मंदिर में रूही और नाहर पूजा करने पहुंचे होते हैं। नाहर को देख रूही उनसे सभी बात सच्चाई के साथ बताने जा रही होती है। तभी वहाँ गुरु माँ जा रही होती है। इतने में रूही गुरु माँ से टकरा कर वहीं पर दोनों गिर पड़ते हैं, जिसके बाद गुरु माँ को घसीट कर नाहर के पास रूही ले जाती है, जहाँ गुरु माँ की सच्चाई बाहर आ जाने वाली है। दोस्तों, अग्नि के साथ साथ बड़ी दादी की भी सच्चाई बाहर आने वाली है। नाहर को यह मालूम चल जाता है कि उसके रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई और नहीं पीछा लगा हुआ है, बल्कि ये अग्नि ही जो रूही को मुझसे अलग करने वाली है। दोस्तों, रूही में एक भी गलती को न पाकर सोनी उसे घर ले जाती है। नाहर बहुत खुश होता है। रूही के मन में यह डर बैठा हुआ था कि नाहर जी अब मुझे कभी अपने घर नहीं ले जाने वाले, क्योंकि नाहर ने बहुत पहले ही रूही से कह दिया होता है, ऐसा नौबत कभी मत लाना रूही, जिससे हमें अपने परिवार या तुम में से किसी एक को चुनना पड़े। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, गुरु माँ और अग्नि की काली करतूत जैसे ही सामने आई, छोटी माँ ने ही अपने वचन को तोड़ रूही को अपने घर लेकर जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा रूही और नाहर की जोड़ी आपको कैसी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।